डोंट ड्रीम योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स। आपके सारे सपने सच होंगे, लेकिन तभी अगर आप में हिम्मत है उनको पूरा करने की। अगर आप अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को, अपने गोल्स को, आप कुछ भी कहो, उसको अगर जिंदा रखना चाहते हो, उसको पाना चाहते हो, तो सबसे पहले खुद पे विश्वास रखो, खुद पे यकीन रखो कि हाँ, नो मैटर व्हाट, हाउ हार्ड द सिचुएशन इज, आई वुड अचीव माय गोल, नॉट इमिजिएटली बट डेफिनेटली। अपना विजन क्लियर रखो, हार्ड वर्क करो, डिटर्मिनेशन से काम करो, डेडिकेशन रखो, फोकस रहो। ये सब नहीं मेरे दोस्त, इससे भी ज़्यादा आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे अगर आपने अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में बदलना चाहते हो, क्योंकि इतना आसान नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये बहुत मुश्किल होने वाला है, ना ये कह रहा हूँ ये बहुत आसान होने वाला है, पर ये वर्थ होने वाला है अगर आप कर जाते हो तो। बिकॉज 90% ऑफ द पीपल जो आज के टाइम में हैं, उन्हें सिर्फ यही चाहिए, दाल रोटी, दैट्स इट। उनकी लाइफ अगर मैं बोलूँ तो दो टाइप्स के पीपल होते हैं, पहले जो 90% कैटेगरी में आते हैं और दूसरे जो 10% कैटेगरी में आते हैं। 90% कैटेगरी ये चाहती है उन्हें सिर्फ दाल रोटी मिलते रहे, उनके छोटे मोटे जो सपने हैं, फैमिली के साथ घूमना, सुबह ऑफिस, शाम को घर, एंड ऑल पेइंग बिल्स, संडे को मूवी देखने चले जाना, बस ये होता है 90% लोग जो आज की डेट में जिनकी सोच है। लेकिन जो 10% होते हैं वो कुछ अलग ही होते हैं, और वो आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग होता है और तभी लोग उन्हें पागल कहते हैं। पर वही 10% बाद में आगे जाके जब इतिहास लिखते हैं, वही 90% संडे अखबार पढ़ते हैं और उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। उन 10% लोगों का कोई एम नहीं होता, कोई मोटिव नहीं होता कि उन्हें दाल रोटी या संडे को मूवी या घूमना फिरना या फिर पेइंग बिल्स। उनका मोटिव होता है सिर्फ एकमात्र अपना लक्ष्य, और उस पर फोकस रहना और अपनी लाइफ में ग्रोथ करते रहना, कभी भी सेटल नहीं होना। बिकॉज जहाँ आप सेटल हुए वहाँ आपकी ग्रोथ रुकी, और जहाँ आपकी ग्रोथ रुकी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप कुछ मतलब चाहिए नहीं आपको, आपके पास जितना आप उसमें खुश हो। आप चाहते ही नहीं कि आपका प्रमोशन हो, आप चाहते ही नहीं आप अपनी फील्ड में आगे बढ़ो, आप चाहते ही नहीं आप अपनी लाइफ में कुछ हटके करो, बल्कि औरों की तरह नहीं जो सब लगे हैं, भेड़ चाल वाला काम ना करो। और वो 10% की खासियत होती है, वो भेड़ चाल से हटकर कुछ करते हैं। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द रैट रेस, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द रैट रेस। हमेशा याद रखना, आप अपने सपनों को पाने के लिए जो भी स्ट्रेंथ ढूंढते हो, जो भी पेशेंस ढूंढते हो, वो सब आपके अंदर, बस आपको उसे ढूंढना है और तभी उसी वक्त से अपने आप को बदलना है, ताकि आप इस दुनिया को भी बदल सको। आपको बदलना है, आपको किसी और को नहीं बदलना, खुद को बदलना है। डिस्कवर योरसेल्फ। बिगेस्ट एडवेंचर ये है कि आप अपनी लाइफ को जियो, वो नहीं जो आप करेंटली लगे हो भेड़ चाल में, वो जब आपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलोगे, वो है बिगेस्ट एडवेंचर।